all of us living in this world have a right to have a neat and clean home. एक तो slum area है तो जो पहले जैसे दिखते थे वो ऐसे अभी नहीं दिखेंगे, थोड़ा अच्छा attractive दिखेंगे तो ज़्यादा tourist आ सकते हैं यहाँ पे. So it will be look attractive and very useful to us because if sometimes if there is if there were later was coming that it there here will be a buildings. So अभी तो बिल्डिंग्स नहीं बन रहे तो इसी में हमें काम चलाना पड़ेगा, तो अभी कलर्स वगैरह हो रहे तो ये हमें यूजफुल है. इन फ्यूचर आई एम श्योर दीज एरियाज विल गो इनटू डेवलपमेंट, सम ऑफ देम विल नॉट, सम ऑफ देम विल, एंड वी डोंट नो, नन ऑफ अस नो व्हेन, हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ्स, बट टिल दे गो इनटू इट, why are these people supposed to live like this and suffer like this? I do vocational training. I do a lot of, I have centers where I do vocational training for girls. We teach them nursing, housekeeping, knitting, and you know, basically khud pe खुद के पैरों पे खड़ा होना है, सेल्फ सफिशिएंट, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. इट्स नेवर इजी टू गेट इनटू स्लम्स एंड वर्क, बट देर आर पीपल लिविंग हियर, सो इफ दे कैन लिव हियर वी कैन डेफिनेटली गेट इन देयर एंड डू समथिंग फॉर देम. The main aim of Misaal Mumbai is, along with colouring and making their homes and their surroundings beautiful, we talk about hygiene, we talk about sanitation, we talk about education. Instead of going home to home that we did initially and talking to them, we kind of give initiative to one lady living here, one woman living in the area, where she collects a group of ladies and come together and we talk about so many things they can do to empower themselves and they don't have to depend on anybody. स्लम में जाके ये बोले कि हमें आपकी दीवारों को रंगना है और कलरफुल करना है, तो बहुत सारे बस्ती के लोगों ने मुझे आके ये बोला कि मैडम आप अगर ये पैसे हमें दे देंगे तो हम बच्चों की स्कूल की फीस दे देंगे, वी विल बी एबल टू गिव देम फूड फॉर फ्यू मंथ्स. देखने वाले चीज देखते हैं, थोड़ी अंदर का देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है कुछ. हाँ. अभी बाहर से आपने पेंट किया है एक बार, ठीक है कि चलो बाहर देखने वाले सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, यहाँ पर अंदर जाकर देखना चाहिए कि और कुछ किया जा सकता है क्या. When I initially went into slums to paint and we spoke about coloring the walls, few people came up and said, "Madam, is there anything more that you're going to do? Because painting is one thing. We would like it. It'll look very clean, swachh lagega. But uske ilawa kya?" So I said, "You know what? After I do my recce, I will be able to tell you what I'm really looking at." So after I did my recce, there are a lot of walls which were leaking. There are a lot of roofs which were broken. मुंबई में इतनी बारिश होती है कि जो छत टूटे हैं उसमें से पानी तो आएगा ही आएगा अंदर. एंड बिकॉज माई किड्स, आई हैव सो मेनी स्लम्स दैट आई वर्क विद, माई किड्स, माई चिल्ड्रन इन द पाठशालाज, इन द बालवाड़ीज लिव देयर, एंड आई हैव सीन देम लिटरली ऑन अ वुडन प्लैंक सिटिंग एंड देर इज़ वाटर हियर एंड दे टेक द वाटर, पानी उठा के बाहर फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे, बाहर का पानी भी तो अंदर ही आता है. दैट्स हाउ देयर होम्स आर फुल टिल हियर. आई मीन हाउ आर यू सपोज टू स्लीप where you have water till here. So I have seen them literally cramping up on a wooden plank, sleeping like that, or a chair on top just hanging there, and just, you know, they sleep on that. So that is the time I decided, with along with coloring, we must do waterproofing. पहले बार ये तुम करते ये project, ऐसा कहे सोचते थे आमिर टीवी और बक्तुन ये करा ते करा, पर इधर तो सब गंदगी, वॉशरूम नहीं है, ये गंदगी है, कुछ नहीं है इधर. ये मोदी सरकार बोलता है ये मदद, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. कोलीवाड़ा में इधर झोपड़ी में कुछ भी मदद नहीं है. नहीं सच्ची बोलती हूँ. लेकिन ये देता है, ये मिलता है, घर मिलता है, आमका मिलता है, इधर कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिलता. सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड विद धारावी, देयर वाज लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ दैट हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन, व्हाट इज दिस, is government involved in this, who's involved, who's doing what. So that is the time you calmly with patience sit down with those people and explain what you're doing, and trust me, third day onwards it becomes like family to me.
तो यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटीज के गाड़ी नहीं आती थी, अभी आने लगी है. और जो डस्टबिन से अगर हमें कचरा डालना हो तो ऊपर जाके डालना पड़ता है. हाँ, हो जाएगा. लाइफस्टाइल भी चेंज. पूछेंगे ना लोग, भाई आप कहाँ पे रहते हो? तो हम बोलेंगे वर्ली. अरे वर्ली वो सीलिंग से दिखता है, वही क्या वर्ली? हाँ, जो कलर पेंट है वही. हाँ हाँ, वही वर्ली. हम भी बता सकते हैं ना कि वही वर्ली. कोई कचरा डालने की कोशिश भी करेगा लेकिन वो देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं अकेले कचरा डाल रहा हूँ और सब लोग सफाई कर रहे हैं, तो फिर उसकी भी मेंटेलिटी बदल जाएगी. जब हमें कुछ चीज़ फ्री में मिलती है तो उसे वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर हम लोग पैसे से खर्चे किए होते तो हम लोग अब संभाल के रखते हैं ना, तो वैसे ही जब हम लोग को मिल रहा है, गवर्नमेंट कुछ दे रही है, तो उसे वेस्ट ना करें.